अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आपका टीचर बदरुद्दीन जतोई कंप्यूटर और बीजे में आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टोरेज डिवाइस के एमसीक्यू। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। स्टोरेज इज स्टोर रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड नॉन वॉल्टेड स्टोरेज, जो जिसको हम रोम कहते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है द परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट एरेस डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड ROM, इट मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, जो परमिट मेमोरी होती है और डेटा को होल्ड करे उसको कहते हैं रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री में ये कह रहा है कि वो मेमोरी जिसको हम रिफ्रेश किया जाए मेनी टाइम्स, इसका आंसर डी है डायनामिक रैम। मीन्स इसका मतलब ये है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर फोर है यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, इसका आंसर है सेकेंडरी यूएसबी, यानी यूनियर सेल सीरियल बस, ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है जो डेटा को स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर फोर में ये आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, ये अहम सवाल है, कितनी पीएसटी हो जीएसटी हो इसमें इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ये सिंधी में होगा, आप इंग्लिश में होगा सिंधी में ही होगा, उर्दू में भी सिंधी में होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर मैं सवाल आपको बताया है और आंसर भी आपको बताऊँगा, करेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा, ऐसी डिवाइस जिस पर हम डेटा को बैकअप करें इस कॉल्ड आलाफगो, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क टेप ए नेटवर्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर सेवन है हाफ बाइट इज नोन एज, आंसर इज नेबल, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर एट मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, आंसर इज ए इंटरनल। क्वेश्चन नंबर नाइन द कंटेंट ऑफ द मेमोरी इन टू द ब्लॉक ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड, हमने सेवन भी रीड किया है, ठीक है, इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं ना, बाइट का मतलब क्या है, बाइनरी डिजिट मीन्स 01 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर एट है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज इंटरनल, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर नाइन द कंटेंट ऑफ द मेमोरी इन टू अ ब्लॉक ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड ऑल ऑफ अबो ROM और EPROM। ओके, तो मेन मेमोरी के दो टाइप होते हैं रैम और रोम। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन द कंटेंट ऑफ द मेमोरी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड ऑल ऑफ अबो। ठीक है दोस्तों, रोम ई पी रोम एंड ई पी रोम। ओके, आगे चलते हैं, वीडियो के साथ ही रहना, वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड रोम ROM, यानी रोम रीड ओनली मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी होती है। विथ अ सीडी यू कैन डैश, आंसर इज ए रीड। सीडी के साथ आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रैम इज डैश मेमोरी, ये मेन मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर में होती है, टेम्परेरी होती है, जो डेटा को स्टोर करती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 डैश इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड रोम, यानी इसका मतलब ये है कि रीड ओनली मेमोरी। मैग्नेटिक टिप is not practical for application where the data must be quickly recalled because the tape is answer is। question number हमने
30 कंप्लीट किया है और 14 कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर है बी, सीक्वेंस एक्सिस मीडियम। ओके, क्वेश्चन नंबर हमने पढ़ा, इसका बी ऑप्शन है करेक्ट। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी? आंसर डी, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल। ओके, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। आगे चलते हैं, 16 है क्वेश्चन। द हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर डैश स्टोरेज? ऑप्शन बी, नॉन वॉलेटाइल। ओके, रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश इज, फ्लैश क्या है? ये पी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, फ्लैश मेमोरी आल्सो कॉल्ड एज, इसका आंसर है फ्लैश रैम, यानी रैम एक्सिस मेमोरी, जो फ्लैश मेमोरी होती है वही है। अच्छा दोस्तों हमने 90 क्वेश्चन क्लियर किए हैं और 20 पर पढ़ते हैं। व्हेन रजिस्टर डिस्क इज, आंसर इज ए, डिस्क स्टेप। 21 क्वेश्चन है, टाइपिकल एटम्स ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल, ऑप्शन इज बी, सी डी, आर डब्ल्यू। इट मीन्स कंपैक्ट डिस्क, रीड राइट। ओके, मैंने लिख भी दिया है, कंपैक्ट डिस्क, सी डी का मतलब ये है, आर डब्ल्यू का मतलब है कि रीड एंड राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मींस दे अलाउ टू यूज देयर डेटा, आंसर इज स्टोर। जो कंप्यूटर में डेटा, कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड, ऑप्शन इज डी, स्कैलेशन। ओके, जो प्रोसेस होता है जो सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के लिए हार्ड डिस्क को फ्रॉम स्टोरेज तक, स्कैलेशन। क्वेश्चन नंबर 24, ए ऑप्शन इज राइट। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी स्टोर टेम्पररी। क्वेश्चन नंबर 25, द फास्टर कोस्टल एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज बाय कंप्यूटर डिस्क हार्डवेयर इज कॉल्ड डिस्क। The analytical engine developed during the first generation computer used dash, answer is counter-rail memory unit. 27 question, which of the following is used to hold read-only memory and random access memory? CPU and expansion card as known as, answer is motherboard. Which of the following medium is used between CPU and RAM to speed up the processing power of CPU? Okay, जो RAM होती है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताया। क्वेश्चन 28, which of the following medium, इसका आंसर डी है, कैश मेमोरी। 29, breaking logical memory into block of the same size called, इसका आंसर है डी, pages. 13, which one is रैंडम एक्सेस मेमोरी? दिए गए ऑप्शन में कौन सी वो मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी, मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया है। वेयर द डेटा विल रिमेन, सॉरी फॉर दैट, 13 क्वेश्चन कंप्लीट है। 31, वेयर द डेटा विल रिमेन इनटेक वे इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ओके, इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज है, मैंने मिस्टेक से कर लिया आई डी ऑप्शन। ओके, सो परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज्ड इन, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, फ्लॉपी डिस्क से, मैग्नेटिक पे, हार्ड डिस्क से। ओके, ये परमानेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसका बी है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ना मेमोरी वर्क करती है। SRM स्टैंड फॉर, आंसर इज सी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
35, what is the capacity of the supercomputer? Philip is known as 500 megabyte. Okay, जो सुपर कंप्यूटर की ना फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी है, यानी इसमें पावर हो. क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट किए हैं 35, मैंने आपको आंसर बताया. इसका बी ऑप्शन है 500 मेमोरी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, मुझे बताना कि आज की वीडियो जो ने स्टोरेज के हवाले से मैंने आपको बताया कैसे लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.